अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों के लिए प्यारी प्यारी बहनों को प्यार भरा सलाम और अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक सिंपल पुलाव बना रही हूँ, जो बहुत इजी है और बनाना भी बहुत आसान है। तो आज मैं सिंपल सा एक पुलाव बनाऊँगी और शाही कौरमा बनाऊँगी। तो मैं बता रही हूँ कि मैंने किस तरह से पुलाव बनाना शुरू किया। मैंने देखिए पैन में मैंने ऑयल गर्म कर लिया। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। प्याज थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, ये देखिए जब प्याज फ्राई हो जाएगा थोड़ा सा, तो फिर मैं इसमें इसके साथ साथ ही ये गरम मसाले भी डाल रही हूँ, जिसमें तेज़पात है, हरी छोटी इलायची है, एक बड़ी इलायची है, 4-5 दाने काली मिर्चों के हैं, 2-4 दाने लौंग के हैं, और मैंने इसमें सिया ज़ीरा 1 चम्मच डाला है। ये देखिए सिया ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा नहीं, सिया ज़ीरा डाला है। अब जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसमें राइस डाल के थोड़ा सा भूनूंगी। अब देखिए मैंने इसमें पहले ऑयल डाला, फिर थोड़ी आधी प्याज थी वो मैंने फ्राई कर ली, हल्की ब्राउन हुई थी, मैंने सारे उसमें गरम मसाले, तेज़पात, काली मिर्चे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादाम के फूल डाल के फ्राई किया। और अब मैंने इसमें चावल डाल दिया, नमक डालूंगी, और इसके जैसे मैंने 1.5 गिलास चावल लिए हैं तो मैं इसमें 3 गिलास पानी डालूंगी। चावल बहुत अच्छे दम पर आएंगे, जब दम पर आएंगे तो मैं इसमें कलर डाल के इसको दम पे रखूंगी। तो अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ हसबे जायका, और इसको दम पे रखूंगी पानी डाल के। ये देखिए 1 स्पून मैंने नमक डाल दिया, अब मैं इसमें पानी डालूंगी। ये देखिए अब मैंने इसमें पानी डाल दिया, अब मैं इसको दम पे रखूंगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि सादा सा पुलाव बनाना कितना आसान है। तो ये सादा पुलाव बना रही हूँ मैं आज, और बादामी शाही कौरमा बना रही हूँ। आप बनाइएगा ज़रूर, इन्जॉय कीजिएगा। अब ये देखिए ये सादा सा पुलाव अदनानों के दस्तखान से आपकी खिदमत में हाजिर है, जो बहुत ही सिंपल सा बनाना। कि पहले मैंने तेल डाला और मैंने हाफ प्याज को मैंने स्लाइस में काटा, उसको तेल में डाला और सारे साबित गरम मसाले डाले, तेज़पात और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, 4-5 लौंगे और दालचीनी डाल के मैंने भून लिया। उसके बाद मैंने चावल को उसमें डाल के भूना। मैंने 1.5 गिलास चावल लिए थे तो मैंने इसमें 3 गिलास पानी डाला, नमक डाला। अब चावल देखिए मेरे रेडी हो गए हैं, मैंने दम पे इसको रखा है। ये सादा पुलाव कहलाता है। अब मैंने इसमें जायफल जावित्री का थोड़ा सा पाउडर छिड़क दिया, मैंने इसके अंदर रंग डाला है मगर ड्राई, पानी में घोल के नहीं डाला मैंने इसमें, और थोड़ा सा मैं इसमें जायफल जावित्री का पाउडर डाला, जर्दे का रंग डाला ड्राई, और केवड़ा एसेंस थोड़ा सा डाल दिया इसकी खुशबू के लिए, और इसको दम पे रख दिया। तो ज़रूर बनाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही आसान पुलाव, बहुत ही मज़ेदार पुलाव।